आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रहेगा, ये एलजी का डबल डोर फ्रिज है हमारे पास। इसका प्रॉब्लम क्या हो गया है, ये हमारा एवेपोरेटर कॉइल है और इसे बेंट के पास में यहाँ से लीक हो रहा है। हमने यहाँ पे मेटल पेच भी लगाया था, फिर भी ये सक्सेस नहीं हुआ, फिर से लीक ही हो रहा है। तो इसको मैं रिपेयर करूँगा, इसे हम नया भी डाल सकते हैं, पर पहले मैं रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर होता है तो ठीक है, तो मैं ये पूरा कॉइल निकालूंगा। तो आप वीडियो के साथ में बने रहिए। तो मैंने निकाल दिया है पाइप, यहाँ जितना हो सके अंदर से मैंने काट दिया है। इसमें कोई स्क्रू नहीं होता है, हुक होते हैं दो, ऐसे ऊपर उठाने से आपका कॉइल ऊपर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बाहर निकाल दिया है, आप देख सकते हैं इसमें पेस्ट लगा हुआ है। ये मैं अच्छी तरह से साफ करूँगा। अब इसमें परेशानी क्या होगी, कैपिलरी जॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये देखिए एल्यूमिनियम में पंच किया हुआ है और इसे तो हम जॉइंट कर सकते हैं क्वार्टर इंच का पाइप लगा के। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अभी इसमें एक मैंने एक सोचा है, ये 316 का पाइप रहेगा ना, छोटा एकदम क्वार्टर से छोटा, इसमें मैं ऐसे डालूँगा ये कैपिलरी में, छोटा टुकड़ा डालूंगा इतना, और ये जो कैपिलरी है ना इस पर मैं जॉइंट करूंगा। बस इतना पीस लूंगा और यहाँ से ये कैपिलरी डालूंगा, नई वाली और ये पुरानी वाली यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी इसे साफ करता हूँ पूरा अच्छी तरह से, फिर मैं ये करता हूँ ब्रीजिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक 316 का टुकड़ा लगा दिया है और ये 36 नंबर वाली कैपिलरी है, ये दोनों के बीच में मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा लगा दिया है, जैसे कि ये गर्म होगा तो यहाँ पे जॉइंट नहीं छोड़ेगा। तो आप हमेशा एल्यूमिनियम की कॉपर कुछ रहता है तो जॉइंट रहता है, तो हमेशा गीला कपड़ा लगा के ब्रिजिंग करें। तो मैं ब्रिजिंग करूँगा इसे। तो आपको गर्म बीच में करना पड़ेगा, क्या करके मत करिए गर्म। ये हो गया हमारा ब्रिजिंग, ये देख सकते हैं अच्छी तरह से ब्रिजिंग हो गया है। तो ये हमारा कैपिलरी टू कैपिलरी जॉइंट हो गया है। अब मैं सेक्शन लाइन को जॉइंट करूंगा। अब मैंने एक क्वार्टर इंच का पाइप सेक्शन भी सेट कर दिया है, गीला कपड़ा भी लगा दिया यहाँ पे, इस बार बेंड भी कर दिया है। तो ऐसे मैं ब्रिजिंग करूंगा। ये 5 फीट लंबा पाइप है, ऊपर तक जा रहा है, ये नीचे कंप्रेसर तक जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे अभी ब्रिजिंग करूंगा। देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ब्रिजिंग हो गया है हमारा सेक्शन पाइप। ये 5 फुट का पाइप है, ऊपर तक जा रहा है, काफ़ी लंबा रखा है, कंप्रेसर तक जाएगा। तो हमारा ये पूरा सब रेडी हो चुका है। अब मैं कैपिलरी इस सेक्शन पाइप में टेप लगाते हुए पूरा ऊपर तक जाऊंगा, फिर आगे आपको बताता हूँ। पहले इसमें टेपिंग कर देता हूँ पूरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने टेप लगा दिया है कैपिलरी और सेक्शन पाइप पर। इससे क्या फ़ायदा होता है, मतलब कैपिलरी को सेक्शन पाइप से लगाने से आपका हीट एक्सचेंज अच्छा होगा, जैसे कि गैस एकदम गर्म होती है जब कंडेंसर से बाहर आती है और सेक्शन लाइन ठंडा होता है, तो इसमें क्या होता है हीट एक्सचेंज, मतलब जो गैस की गर्मी होगी ना ये खींच लेगा सेक्शन पाइप, तो कूलिंग बेहतर आएगी अंदर।
अब जब भी कोई कैपिलरी आप डालोगे तो सेक्शन पे उसे चिपका दीजिए इसी तरह, जैसे कंपनी वाले देखते हैं मेरे पास पुराना वाला है, ये देखिए सॉल्डरिंग किया हुआ है, उस पर चिपका के रखा, ये पुराना पाइप है मेरे पास। तो आप हमेशा इसी तरह से टेप लगा दीजिए सेक्शन और कैपिलरी पे। तो चलिए फिर आगे में ये सब रेडी हो गया है, अब मैं इसे फ्रीज़र में फिट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे छेद मारूंगा, ये कुछ दिक्कत नहीं होती है, पूरा अंदर फोमी होता है, अब जल्दी हो जाता है फिर, और मैं इसे यहाँ से बाहर ले जाऊंगा पाइप। ये आप लोग देख सकते हैं ये मैंने फिट कर दिया है, इसमें एक छेद मारा था मैंने, छेद करके ये पाइप मैंने पीछे लेके गया, और ये कैपिलरी का मैंने रिंग बना दिया था सो दैट डिस्टर्ब नहीं हो, और ये रिंग यहाँ पे मैंने वो कर दिया, राउंड कर दिया, इसमें लगा दिया यहाँ पे, और ये पीछे गया हुआ इस तरह से। मैंने एम सील लगा दिया है जैसे इससे टाइट रहे, और वाइब्रेशन में ये शीट में जो छेद मारा है ना उससे इसे डैमेज ना हो, इस तरह मैंने नीचे आ चुका है पूरा। अब मैं इसमें इंसुलेशन लगाऊंगा पूरा नीचे तक, फिर ये पाइप में कंप्रेसर में फिट करूंगा, फिर गैस फिलिंग करूंगा। जैसा देख सकते हैं पाइप पूरा पीछे ले लिया मैंने, इंसुलेशन भी कर दिया है मैंने, कैपलरी आ गई है, और फिल्टर भी लगा दिया है, ब्रिजिंग करना बाकी है। चार्जिंग लाइन तो पहले लगा दिया था मैंने जब वो लीक टेस्ट करने के लिए, तो शुरू करते हैं इसका ब्रिजिंग। तो हो गया हमारा फिल्टर ब्रीजिंग, अब कैपलरी करते हैं। क्या पैर भी ब्रीजिंग हो चुकी है, अब मैं कंप्रेसर चालू करूंगा। यहाँ हमने कैपिलरी ब्रीजिंग कर दी है, अरे सेक्शन अभी ब्रीजिंग नहीं करूंगा मैं, अभी कंप्रेसर चालू करूंगा और ये कैपिलरी से हवा अंदर होते हुए यहाँ से बाहर आएगी, तो थोड़ा फ्लशिंग भी कर लूँगा, और कोई कचरा रहेगा इसके अंदर तो भी निकाल दूंगा, जैसे कि पुराना पाइप था ये। तो आप अगर आपकी कैपिलरी ब्लॉक है या नहीं है ये भी आप फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं, आपको सिर्फ सेक्शन वेल्डिंग नहीं ब्रीजिंग नहीं करना है और कंप्रेसर स्टार्ट करना है। अगर यहाँ से हवा आती है तो इसका मतलब आपका कैपिलरी ब्लॉक नहीं है, ये मेथड से भी आपका कैपिलरी चेक कर सकते हैं ब्लॉक है या नहीं। तो ठीक है मैं कंप्रेसर स्टार्ट करता हूँ, अभी शुरू हो चुका है, यहाँ हाथ लगाऊंगा मैं, ठीक है कैपिलरी सही है, कहीं ब्लॉक नहीं है ब्रीजिंग करते समय, तो ये तरीका भी सही होता है चेक करने का आपका कैपिलरी ब्लॉक है या नहीं, चोक है कि नहीं।
थोड़ी देर तक मैं ऐसी फ्लशिंग करूँगा, उसके बाद यहाँ ये पुराना वाला पाइप है ना, ये निकाल दूंगा और इसमें ब्रीजिंग कर दूंगा। ये सेक्शन लाइन ब्रीजिंग करूँगा, पुराना वाला जो काटा हुआ पाइप है ना वो पहले निकालूंगा। और हमेशा ऊपर प्लेट रखिए जिससे कि आपका वो ऊपर नहीं जले। बार बार निकल चले गए हैं। हमारा सेक्शन लाइन भी ब्रीजिंग हो गया है, अब मैं इसे वैक्यूम में लगाऊंगा आधा घंटा तक। वैक्यूम हो रहा है 45 मिनट से और मैं इसमें 134 ये गैस फिल करूंगा। इस बार मैं इसे ग्राम के हिसाब से वो करूंगा, इसमें 115 ग्राम लिखा हुआ है 134। मैं सेटअप करता हूँ पूरा, मेरा वेइंग मशीन मैं आपको बताऊँगा। देख सकते हैं मैंने वेइंग मशीन शुरू कर दिया है, अब मैं इसे ज़ीरो करूँगा। ठीक है, अब मैं गैस का ये खोलूँगा, 115 ग्राम डालना था। छब्बीस ग्राम, 27-30 के करीब जा रहा है। 115 डालना है मुझे। इसका प्रेशर देखिए 7 के करीब है। पाइप हिलने से ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो मैं फिर प्रेशर के हिसाब से इसे वो करूँगा, मैं कंप्रेसर चालू करूँगा। कुछ मशीन में गड़बड़ हो गई है ऐसा, तो उसका प्रेशर स्टार्ट, स्टैंडिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया था। ये देखिए फ्रिज चालू कर दिया मैंने, ये वेइंग मशीन का काम नहीं है, गड़बड़ हो गई इसमें। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
अगर आप एक्सपीरियंस टेक्नीशियन हैं तो आप बैक प्रेशर से पहचान सकते हो कितना गैस डालना है इसमें। ठीक है, वैक्यूम में जा रहा है, थोड़ा और डालते हैं, इसको जीरो पे रखूंगा। आपको बैक प्रेशर फ्रिज के कम से कम आधा 45 मिनट तक चलाना है, जैसे कि अंदर पूरा ठंडा हो जाए तभी आपको उसका बैक प्रेशर मेंटेन करना है। तो हम इसमें 5 रखेंगे, जीरो के ऊपर ही है, थोड़ा डाल देते हैं, फिर मैं इसको 45 मिनट के बाद आपको बताऊंगा इसका प्रेशर कितना रखना है। अभी के अंदर गर्मी होने से क्या होता है, मीटर में गैस में प्रेशर में चेंजेस होता है, जब ठंडा हो जाता है ना फ्रिज, जब उसमें एक्चुअल प्रेशर मालूम पड़ता है आपका। तो ठीक है, फिर मैं आपको 45 मिनट का फिर मिलूंगा। डाल के 45 मिनट के करीब हो गया है, एक बार अंदर देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी कूलिंग आ गई है, इसमें मैंने फ़ैन नहीं लगाया है, मैं टेस्टिंग के लिए नहीं लगाया फैन, टेस्ट होने के बाद फिर फ़ैन लगाऊंगा, फिर गैस का प्रेशर देखूंगा। इससे पहले तो एक लीक टेस्ट करूंगा। ये देख सकते हैं, मैंने फ्रीजर बॉक्स फैन सब लगा दिया, फ्रीजर बॉक्स का कवर फैन सब लगा दिया है। अब इसे हम कूलिंग में रखेंगे। जैसे कि देख सकते हैं 0.76 एम्स ले रहा है, सही है। और ये मैंने फ्रिज का कवर खोला था तो मतलब डोर खोला था तो थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है, जैसे जैसे कूलिंग कम होगा तो फिर नीचे आएगा। तो कम से कम मैं उसे और आधा घंटा चलाऊंगा, पूरा कूलिंग होने का इसका फाइनल प्रेशर मालूम पड़ेगा। हमें सिर्फ 5 रखना है। तो चालू हुए बहुत काफ़ी टाइम हो गया, अंदर काफ़ी कूलिंग आ गई है, एक बार चेक करते हैं। ठंडी हवा आ रही है, तो अब इसका असली प्रेशर मालूम पड़ेगा। तो देख सकते हैं 5 के करीब है, इससे पहले 10-12 के करीब था जब फ्रिज गर्म था अंदर, अब इसका असली प्रेशर आ गया है। ठीक है, तो अब मैं ये वॉल निकाल दूंगा, वॉल पे से इसे डमी कर दूंगा और फाइनल देखते हैं कितना एम्स ले रहे हैं। 67.67। कई दोस्तों ने पूछा है मीटर कहाँ से मैंने लिया था, अगला वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा, ये आपको लिंक भी दे दूंगा कहाँ से लेना है और इसके बारे में पूरा कनेक्शन कैसा होता है सब बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी दबाइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Bye-bye.